नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। रामनगर से सटे डिकली गांव में हाथियों का उत्पात रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाथियों के झुंड ने देर रात डिकली गांव में घुसकर तीन दुकानों में तोड़फोड़ कर बहुत नुकसान किया। दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ। हाथियों के झुंड ने देर रात डिकली गांव के पास मोहम्मद रहमत, हरीश छिमवाल और संतोष पांडे की दुकान में तोड़फोड़ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। ये घटना देर रात 2 बजे की है। हाथियों के द्वारा दुकान क्षतिग्रस्त होने से दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं गांव वाले हाथियों के उत्पात से परेशान हैं। वहीं कार्बेट टाइगर रिजर्व के निर्देशक का कहना है कि ग्रामीणों की क्षतिपूर्ति का निरीक्षण किया जा रहा है, साथ ही साथ ये प्रयास करेंगे इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और हमारी जान माल की भी सुरक्षित रहे और जानवर भी सुरक्षित रहे। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। भिकुली में कुछ हाथियों ने उत्पात मचाया है और दुकानदारों की दुकानों को तोड़ा है और उसमें सामान भी बिखेर दिया है, क्या कहना आपका इसके बारे में? ये प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें ढिकुली क्षेत्र में हाथियों द्वारा कुछ दुकानों को क्षति पहुंचाई गई है। उसका हम निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही साथ ये प्रयास कर रहे हैं कि जो इस तरह की घटनाएं ना हो और ताकि जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उस तरह की घटनाएं की ना हो और जो हमारे जान माल हैं वो भी सुरक्षित रहें और जानवरों का भी मूवमेंट जो है वो स्मूथ रह सके इस क्षेत्र में।